अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परसेंटेज के हवाले से मैंने दो वीडियोस दी थी लेकिन उनमें थोड़ी गलती थी। लेकिन आज की वीडियो में मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे हम, और आपको 100% समझ आ जाएगा। और आज के बाद आपको कोई परसेंटेज के हवाले से वीडियोस देखने को नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हमने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर सिखाया है, तो सबसे पहले आपको समझाएंगे कि किस तरह ये आपको समझ आ जाएगा। हमने दो तरह के पीडीएफ बनाया है। तो पहले पीडीएफ में आपको दिखाएंगे कि अगर आपके एकेडमिक मार्क्स में 20 नंबर मिले हैं और प्रोफेशनल डिग्री के भी 10 नंबर है, ये 30 मिलाकर अगर आपके टेस्ट में 50 नंबर आ जाए तो आपका कितना परसेंटेज बनेगा, इस तरह किया है। दूसरी बात यह है कि दूसरी पीडीएफ में सेकंड डिवीजन वालों का, जिनकी परसेंटेज एकेडमिक मार्क्स में जिनको 10 नंबर मिले हैं और इनका प्रोफेशनल डिग्री की 5 नंबर है, सेकंड डिवीजन उनके, तो उनको जाहिर सी बात है 10 और 5 15 नंबर मिलेंगे, इनका परसेंटेज कितना बनेगा अगर वो 50 नंबर टेस्ट मिले। हमने 50 नंबर से स्टार्ट किए 100 तक गए हम, तो 50 नंबर टेस्ट में आया कितना परसेंट बनेगा, 51 लिया है टेस्ट में कितना परसेंट है, 60 लिया है कितना, 70 लिया है, 80, इस तरह करके हमने 100 तक हमने इसको ले लिया है। तो बहुत इफर्ट की बात ऐसा पीडीएफ हमने बनाया है, ये हमने मिलकर उस्मानिया अकेडमी डरमराद वालों ने बनाया है, तो हमें शेयर किया, तो ये हमारे भी इफर्ट है उनमें उनके अंदर, और उनका बहुत ज़्यादा इफर्ट है। अप्रिशिएट मैं उनको करता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना काम किया है उस्मानिया अकेडमी डरमराद वालों ने। तो देखिए, एक बंदा काम करता है सबके लिए, तो हम वीडियोज़ बना रहे हैं सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, और आप लोगों का इसमें खैर। देखिए, हमारा सिर्फ मकसद यह है कि आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा, हम अपनी पॉजिटिविटी अपने चैनल से इन्फॉर्मेशन दे। तो चलते ही चैनल के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपको सिखाएंगे, और आपको सिखाने का मकसद यह है कि आपकी आज की बात आपका कंसेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा, और ना आपको दूसरे वीडियोस देखने को पड़ेगा कि हमें तो समझ नहीं आया। तो हमने तरीका फुल समझाया है पीडीएफ की फॉर्म में, इतनी मेहनत और मुशक्कत इसमें लगी है। तो काइंडली अपने दोस्तों को साथ, दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, और वो दो जिनको परसेंटेज समझ नहीं आता, हमने बनाए हुए सिस्टम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाते हैं और आपको 100% क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट की। अगर हमारा 50 नंबर आ जाए कितना परसेंट बनेगा, 60 नंबर आ जाए कितना परसेंटेज। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, आपको देखने को मिलेगा कि हमारा परसेंटेज कितना बनता है अगर हमारे 60 नंबर आते, अगर हमारे 70 नंबर आते। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, हम अब आ गए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, अब आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे उनके जिनके फर्स्ट डिवीजन है एकेडमिक मार्क्स में और 10 नंबर भी है उसके, उनके प्रोफेशनल डिग्री के। तो अगर वो 50 नंबर लेता है टेस्ट में तो उसका परसेंटेज कितना बनता है, 65 बनता है, देखिए आपके सामने है। अगर कोई लेता है 51 नंबर टेस्ट में तो उसके परसेंटेज 65.7, तो अगर कोई 52 नंबर लेता है तो उसका 66% बनता है, अगर 53 नंबर लेता है तो वो 67%, अगर 54 नंबर लेता है तो 67% बनता है उसका, 55 नंबर लेता है तो 68 नंबर बनता है, परसेंटेज बनता है उसका। तो अगर वो इस तरह कर अपने खुद की परसेंटेज यहाँ से देखे, अगर आप 60 नंबर लेते हैं तो फिर अगर एकेडमिक मार्क्स 20 है, प्रोफेशनल डिग्री भी आपका 72% बनता है, अगर आपका 61 नंबर है तो 72.7 बनता है। इसी तरह करके अगर आपके 70 नंबर आते टेस्ट में तो आपके एकेडमिक मार्क जो परसेंटेज बनेगा 89, तो अगर आप 75 नंबर लेते टेस्ट में तो आपका परसेंटेज बनता है 82.5। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी फर्स्ट डिवीजन है एकेडमिक मार्क्स में, उनके पास प्रोफेशनल डिग्री भी है 10 नंबर, तो सबको मिलाकर हमने इसकी कैलकुलेशन की है। अगर आपके 80 नंबर आते हैं फर्ज करें, 85.4 परसेंटेज बनता है, ये हम उस्मानी अकेडमी डरमराद जमाली ने बनाया है। तो बहुत ज़बरदस्त परसेंटेज आप एकेडमिक प्रोफेशनल फर्स्ट डिवीजन डिग्री होल्डर के मतलब बनाया, बहुत ज़बरदस्त। आप स्क्रीन शॉट लेकर भी अपना चेक कर सकते हैं, अगर आपके 60 नंबर है तो आपका 72% बनता है। तो ये हमने बात की फर्स्ट डिवीजन वालों की, अभी आते हैं सेकेंड डिवीजन मुराद जिनके अकेडमिक मार्क्स में 10 नंबर मिले है और प्रोफेशनल डिग्री के मार्क्स 5 नंबर है। तो ये देखिए, ये सेकंड डिवीजन वालों की है। तो अगर उनके अगर एकेडमिक मार्क्स 10 है और प्रोफेशनल 10, क्योंकि अगर सेकंड डिवीजन है तो 10 नंबर मिलेंगे, 10 और 5, तो अगर वो 50 नंबर लेता है उसके परसेंटेज बनता है 50, सही है। अगर 51 नंबर लेता है तो उसका परसेंटेज बनता है 50.7, अगर 52 नंबर लेता है 51.4 परसेंटेज बनता है। इसी तरह करके अगर वो 55 नंबर लेता है टेस्ट में, उनका जो परसेंटेज बनता है 53.5, अगर वो 56 नंबर लेता है तो उसका परसेंटेज बनता है 54.2, अगर वो 60 नंबर लेता है उसका परसेंटेज बनता है 57। इसी तरह करके अगर वो 65 नंबर, अपना देखिए खुद नंबर से दे दिया, अगर 65 नंबर लेता है उसका परसेंटेज बनता है 60.5, अगर 66 नंबर लेता है उसका परसेंटेज बनता है 61.2,
तो अगर 70 नंबर लेता है तो इसके परसेंटेज बनता है 64। अगर वो 79 नंबर लेता है, मतलब 80 नंबर लेता है, तो उसका 70.4% बनता है। 80 तक हमने कैलकुलेशन की है। ये सेकंड डिवीजन वालों की मींस एकेडमिक मार्क्स से उनके कितने हैं, 20 10 नंबर मिले हैं और प्रोफेशनल भी उनको 5 नंबर मिले हैं। तो इसी तरह के अपना परसेंटेज खुद टोटल कर सकते हैं। और ये आप लोगों को मैंने पहले से कहा था बोर्ड पर, ये बहुत सिंपल सी, अगर आपके कितने नंबर, आपके कितना परसेंटेज बनेगा, तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत मेहनत के बाद ये बनाया है। एक दोस्त ने जो सुमानी अकेडमी डेरामोरा जमाली का, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इसको बनाकर हमें भेज दिया है, और इसका बहुत बहुत थैंक्स। और अपने परसेंटेज को खुद देखे, अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, 5 नंबर हमने लगा इधर और 10 नंबर वाला लगा, तो आप इसको कट करके, आप इसमें थोड़ी फ़र्क आएगा। प्रोफेशनल डिग्री अगर 5 नंबर नहीं, तो उसमें थोड़ी फ़र्क आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को ये, आप मतलब बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। हमने देखो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप चेक कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके 100 नंबर आते हैं तो आपका 85 बनता है, अगर आपके 80 नंबर है 71% बनता है, अगर 81 नंबर है तो 71.7, अगर 87 नंबर है तो, अगर फिर 75.9, अगर आपके 100 नंबर आते टेस्ट में तो आपका 85% बनता है। तो ये फर्स्ट डिवीजन वालों की, सही है। अपना यहाँ से देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर उधर चेक करें कि आपके अगर 84 नंबर, इसका परसेंटेज कितना बनता है, 73 बनता है। तो हमने इसका सेकंड डिवीजन वालों का दिया है। अगर फर्स्ट डिवीजन वालों पर आ जाए 80 से प्लस देते, कितना बनते हैं उनका परसेंटेज, या देखिए, अगर आपके ने 100 नंबर उठाया, आपका परसेंटेज 100 बनता है। अगर 99 नंबर उठाया, आपका 99.3 बनता है। इस तरह का कि 90 नंबर आपके टेस्ट में आता है, फर्स्ट डिवीजन वालों की बात कर रहा हूँ, फिर आपका 93.7% बनता है। तो इसी तरह करके अपने परसेंटेज को देख ले, बहुत यूनिक और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये बहुत ज़बरदस्त बनाया है उन्होंने। देखो ये फर्स्ट डिवीजन वालों की, उस्मानिया अकेडमी डरमोरा जमाली, परसेंटेज लिस्ट ऑफ अकेडमिक प्रोफेशनल फर्स्ट डिवीजन। तो ये इस तरह करके अपना परसेंटेज खुद देखे, ना कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत है, ना उसकी ज़रूरत है। अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो 10 नंबर को आप काट दे, थोड़ी सी इफेक्ट वहाँ पड़ेगा कि फिर परसेंटेज नहीं आएगा। मतलब अगर 65 है तो फिर तकरीबन 63 बनेगा, इस तरह करके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल साबित हो चुकी है आप लोगों के लिए। और बाकी हमारे लिए दुआ करें। और उस्मानिया अकेडमी डरमोरा जमाली का बहुत बहुत थैंक्स जिसने इसको बनाकर हमें सेंड किया है। बाकी अपना रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जजाकल्लाह खैर।